राकेश बापट के लिए समिता शेट्टी ने मांगी दुआ, मिड वीक इविक्शन से बचे राकेश बापट। बिग बॉस ओटीटी में बीती रात मिड वीक इविक्शन हुआ। नेहा भसीन घर से बेघर होने वाली सदस्य बन गई हैं। आपको बता दें कि मिड वीक इविक्शन के लिए बिग बॉस ने घर के सभी सदस्यों को गार्डन एरिया में बुलाया और ये बताया कि आज यहाँ से किसी एक का सफर खत्म होने वाला है। जनता की वोटिंग के आधार पर दिव्या, प्रतीक, समिता और निशांत को सुरक्षित बताया गया और ये भी बताया गया कि घर से अब बेघर होने के लिए तलवार दो सदस्यों पर लटकी हुई है। राकेश बापट और नेहा भसीन को जनता ने काफ़ी कम वोट किए थे, इसके आधार पर इनकी इविक्शन का ऐलान हुआ। लेकिन इनमें से कोई एक ही घर से बेघर होने वाला था। दोनों की सांसें बड़ी हुई थी। राकेश और नेहा दोनों के चेहरे पर घर से बेघर होने का डर साफ तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इस बीच समिता शेट्टी ने राकेश बापट को हौसला दिया और वह उनके लिए दुआ मांगती नजर आई, जिसके बाद इविक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्य द्वार पर दो दरवाजे बने हुए थे। राकेश और नेहा को इन दरवाजों से होकर गुजरना था। जिनके लिए आगे का दरवाजा खुल जाता वह बेघर होने वाले सदस्य बन जाते। नेहा के लिए आगे का दरवाजा खुल गया। राकेश की बिग बॉस के घर में वापसी हुई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समिता शेट्टी ने राकेश बापट के लिए जो दुआ मांगी थी वह काम आई और राकेश बापट अगर आज घर में मौजूद हैं तो इसमें कहीं ना कहीं समिता शेट्टी और उनकी दुआओं का भी हाथ है।